आई एम श्योर आप लोगों ने बहुत सुंदर रेनबोज और वाटरफॉल्स देखे होंगे, लेकिन आज जिस जगह पे मैं आपको लेके जा रहा हूँ वो है एक बहुत ही जबरदस्त इनक्रेडिबल रेनबो वाटरफॉल। सो लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी टुडे। से डबल डेकर ब्रिज से इसका रास्ता 1 घंटे का है, अगर आप चलते रहोगे तो आराम से 1 घंटे में पहुंच जाओगे। लेकिन डबल डेकर ब्रिज को देखने के बाद अब थोड़ी सी पावर मेरे में आ गई, एनर्जी आ गई है। चेरापूंजी जो है वो वेटेस्ट प्लेसेस इन द वर्ल्ड जो है उनमें से आता है। चेरापूंजी में अप्रैल से लेके अक्टूबर तक लगातार बारिश होती रहती है, हर रोज़ बारिश होती है, सोचो तो लोगों का जीना हराम हो जाता है यहाँ पर कुल मिला के। पर देखो ये देखो ऐसा कुछ हुआ है, वाह, इसे कहते हैं एकदम इन द लैप ऑफ नेचर। चारों तरफ देखो तो ऐसा ही बहुत ही ज़्यादा सुंदर रास्ता है। अभी बहुत सारे स्टेप्स हैं, ऑफ कोर्स ऊपर जाना है मुझे अभी। तो मैं 9:30 बजे डबल डेकर ब्रिज के पास पहुंच चुका था, अब ऊपर जा रहा हूँ, देखते हैं ऊपर कितना टाइम लगता है। तो लेट्स कीप गोइंग। कि ये जो आवाज़ सुनाई दे रही है आप लोगों को बहुत ज़ोर से, जैसे ना विसल की आवाज़ होती है, सुनाई दे रही होगी शायद। ये जब जब भी जंगल बीच में ज़्यादा आता है ना तो बहुत ज़ोर से बजती है, आई एम श्योर किसी बर्ड की या किसी एनिमल की होगी, लेकिन है किसकी ये मुझे पता नहीं है। अगर आप लोगों को पता हो तो कमेंट्स में बताना मुझे। ट्रैक पे आगे बढ़ते हुए जंगल के बीचों बीच मुझे दिखाई दिया ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर सस्पेंशन ब्रिज। इस सस्पेंशन ब्रिज को नेचर के बीच में एंजॉय करते हुए मैं आगे बढ़ रहा था, लेकिन एक चीज़ से बिल्कुल अनजान कि इस ब्रिज को क्रॉस करते ही एक मुसीबत मुझ पे टूटने वाली थी। खैर मुसीबत तो ब्रिज क्रॉस करके आएगी, उससे पहले आपको दिखाता हूँ ये बहुत ही ज़बरदस्त व्यू। भाई ये सस्पेंशन ब्रिज ना नाच रहा है पूरा लिटरली, ये देखो। पर पानी देखो नीचे कितना साफ है। Tell you that I love you 100 times a day, yeah. You'll get tired of my voice, that's how much. यार ये ब्रिज के पास से ये रास्ता तो बंद कर रखा है इन्होंने आगे, तो ये रास्ते जैसा तो लग नहीं रहा कुछ खास, और कोई रास्ता है नहीं, तो एक बार इस पे चल के देखता हूँ आगे ट्रेल है क्या। और यही थी वो मुसीबत जिसकी मैं बात कर रहा था, क्योंकि मैं निकल पड़ा था एक ऐसे रास्ते पे जो रास्ता था ही नहीं, और ये थी मेरी इस ट्रैक की सबसे बड़ी गलती। मैंने सारी जगह पे देखा लेकिन मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आया, और ये हल्की सी ट्रेल मुझे दिखी तो मैं इस पे चढ़ गया। हालांकि यहाँ पे मैंने देखा ज़रूर कि जंगल में कैसे रूट ब्रिजेस बनते हैं, ये मुझे बड़ी पास से देखने का मौका मिला, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डेंजरस था क्योंकि यहाँ पे और कोई मेरे अलावा था ही नहीं, और मैं भटक गया था अपना रास्ता। नहीं यार ये टूरिस्ट के लिए तो नहीं हो सकता, ये देखो शिट, ये तो टूट जाएगा भाई, अभी जस्ट टूट गया ही, थोड़ा सा आवाज़ भी आ रही है। वापस हो लो बेटे, जान नहीं देनी क्योंकि यहाँ पे कोई है भी नहीं और किसी को पता भी किसी को। ओ, शिट, कुछ गड़बड़ तो हुई है मुझसे, कहाँ पे हुई है वापस से जाके चेक करते हैं। कुछ तो गलती हुई है मुझसे, पर हुई कहाँ है ये देखना। यहाँ तो कोई रास्ता नहीं है नीचे जा रहा जो। ब्रिज के स्टार्टिंग पॉइंट पे आके मैंने बहुत ज़्यादा देर तक वेट किया और फाइनली उसके बाद भाई सांस में सांस आई है। कुछ लोग मुझे नज़र आए हैं, देखे हैं मैंने, तो मैंने इनको बताया कि आगे से रास्ता बंद है, तो ये बोल रहे हैं जाके देखते हैं क्या ये लोकल्स हैं, शायद कुछ पता लगे। लोकल्स मतलब मेघालय के हैं, शायद इन्हें कुछ पता लगे, देखते हैं। एक साथ ही पूरी फैमिली आई है शायद। लेट्स सी भाई, लेकिन ये ब्रिज बड़ा नाच रहा है सस्पेंशन वाला। कुछ लोगों को देख के ना अच्छा लगा मुझे अभी, क्योंकि एकदम ही अकेला हो गया था मैं इसके अंदर ना, पूरे जंगल में। आँखों का अंधा एक होता और एक होता अकल का अंधा, शायद मैं अकल का भी हूँ और आँखों का भी हूँ, क्योंकि ये देखो यहाँ चढ़ गया था मैं, ये ब्रिज है, यहाँ चढ़ने लग गया मैं क्योंकि ये बंद था। एक्चुअली इसके साथ ही ये रास्ता नीचे जा रहा है, रास्ता है भी नहीं है,
तो यही लोग आए, तो इन लोगों ने आगे पीछे ढूंढा तो कुछ लोग थे, तो इनको ये दिख गया रास्ता। देखो रास्ता होता तो होता, वो देखो कैसे जा रहा लड़का, कुत्ता कुत्ता। चलो अच्छा हुआ ये लोग आगे, नहीं तो मैं तो पीछे जाके ढूंढ रहा था। इसीलिए आंखें खोल के चलना ज़रूरी है, आंखें बंद रहती है ना मेरी, क्यों डॉक्टर साहब बंद रहती है ना आंखें मेरी, देख लो। तो ये रास्ता वो देखो ऊपर जा रहा है, अगर ये खुला होता ये वाला तो इधर से चले जाते, पर लेकिन बंद है तो ठीक है। तो ऊपर बैम्बू की सीढ़ियाँ हैं, ये चढ़ के जाना ऊपर पूरा। जो ब्लू लगून की बात हो रही थी ना, वो मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे। ये रहा देखो, ये देखो वो लड़का नहा रहा है अंदर, ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त और सुंदर है ये जगह। मैं काफ़ी चलता रहता हूँ, लेकिन मुझे भी बीच में ऐसा लगा कि यार अब मेरे बस की बिल्कुल नहीं है। टाइम बताता हूँ क्या हुआ है, मैं ऑलमोस्ट पास पहुँच गया हूँ उसके फॉल के। देखो 9:30 का चला हुआ और 11 बज गए ऑलमोस्ट। बीच में थोड़ा मेरा टाइम ख़राब हो गया क्योंकि मैं रास्ता भटक गया था ऑफकोर्स, लेकिन सामने मेरे वाटरफॉल मुझे दिख रहा है अभी। तो मैं आपको ये ज़रूर कह सकता हूँ कि अगर आप आ गए तो वर्थ है। एक व्यू दिखाता हूँ यहाँ से, ये देखो ये है वाटरफॉल का व्यू। थोड़ा नीचे चलता हूँ लेके आपको, नीचे से अच्छे से शॉट्स वगैरह लेते हैं कुछ। पहले मुझे लग रहा था कि यार इतने ऊपर आने की कोई ज़रूरत नहीं थी, डबल डेकर पे रुक जाता क्योंकि मेघालय में फॉल्स ही फॉल्स हैं, रेनबो ही तो होगा, पर लेकिन ये व्यू देखो उसके बाद बताना मुझे। Hear the birds and see the sun. Side by side, our fears are done. All the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. The future is bright. खर्चा मेरा क्या हुआ है, यहाँ पे टिकट लगी है जो मैंने आपको बताई थी कैमरे की, और अदरवाइज़ आपके पास कैमरा नहीं है तो 50 रुपये टिकट है। GoPro की 100 है और जो दूसरा कैमरा उसकी 200 है। उसके अलावा आपकी टैक्सी का किराया लगता है, मैं आ गया था खुद से ही, पहले पैदल आया, रास्ते में लिफ्ट मिली तो वो फ्री हो गया, अब जाते हुए देखता हूँ। तो ये जो काम की चीज़ थी वो दिखा दी और काम की बात ख़त्म। आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है ना तो भाई लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि मोटिवेशन मिलती है। और दूसरी चीज़ ये है, खाली मोटिवेशन से काम नहीं चलेगा, तो शेयर लाइक कर दिया करो, वीडियो देख लिया करो, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दिया करो, एफर्ट लगते हैं। हालांकि खुद का फ़ायदा भी है, मज़ा आता है घूमने में, बट आप लोगों को भी तो दिखाता हूँ। तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना अगर पसंद आए तो, एंड आई थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। जिन लोगों ने भी एंड तक देखा उनको दंडवत प्रणाम, एंड दिस इज़ इट। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड जय हिंद।